हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी वर्कशीट नंबर 18 करने वाले हैं, जो आपकी विज्ञान की वर्कशीट है क्लास 8 की। तो ये हिंदी मीडियम की वर्कशीट है। सभी बच्चे अपने अपने नोटबुक निकालेंगे, जिससे आप लोग हैंड टू हैंड वर्कशीट को कंप्लीट कर सकें। देखिए, इसमें आपका दिया गया विस्थापन अभिक्रिया दिया गया वर्कशीट नंबर 8। सबसे पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट अपना साइंस, क्लास आपकी 8th, डेट है आपकी 16 सितंबर, और टॉपिक आपका विस्थापन अभिक्रिया। देखो, धातु और अधातु हम पढ़ते आ रहे हैं, इसमें आज नया टॉपिक जुड़ा है विस्थापन अभिक्रिया। देखिए, इसको मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा दूंगा। अब तक हम जान चुके हैं कुछ धातुएं अधिक अभिक्रियाशील होती हैं, कुछ कम होती हैं, ठीक है, और कुछ होती ही नहीं है, ठीक है। अब हम धातुओं की अभिक्रियाशीलता के बारे में विस्थापन अभिक्रिया की मदद से जानते हैं, ठीक है। आओ इसके लिए एक क्रियाकलाप करते हैं, ठीक है। अब इसके लिए आप एक प्रैक्टिकल करोगे। देखो, आप 100 ml का बीकर लोगे, 5, ठीक है। आपने 5 बीकर ले लिए 100 ml के, ए बी सी डी उनका नाम दे दिया, ठीक है। आपने उसमें 15 ml 50 ml क्या डाल दिया, मतलब आधा उसको किससे भर दिया, जल से भर दिया, ठीक है। और हर बीकर में आपको 1 चम्मच क्या डालना है, ये केमिकल डालना है, जो भी ये बता रहे हैं, ठीक है। और उनको कुछ देर के लिए रखना है। देखो, बीकर ए में आप क्या डालोगे, बीकर ए में डालोगे आप कॉपर सल्फेट प्लस जिंक का टुकड़ा, ये दोनों आप डाल दोगे, ठीक है। बी में आप डालोगे कॉपर सल्फेट प्लस आयरन का, ठीक है, लोहे की कील, ठीक है। और सी में आप डालोगे जिंक प्लस तांबे का, ठीक है। और आप डी में डालोगे आयरन प्लस तांबे का, और लास्ट में आप डालोगे जिंक प्लस लोहे का, ठीक है। ये 5 आपको मिक्सअप बनाना। अब देखो क्या होगा, इसमें आप देखोगे जो आपका कुछ देर बाद, पहले तो ये था, ये सारे बीकर हैं, कुछ देर बाद क्या होगा, जो आपका ए है, मतलब जिसमें आपने क्या क्या डाला है, आपने जिसमें कॉपर सल्फेट और जिंक का टुकड़ा डाला है, वो क्या करेगा, जिंक जो है ये कॉपर को साइड कर देगा, कॉपर को हटा देगा और खुद इसके साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, इसमें दिया गया आपका FeSO4, ये रहा आपका फर्स्ट ZnSO4। इसने क्या किया, देखो ये क्या था, CuSO4 था प्लस ZN, मतलब आपका कॉपर सल्फेट प्लस जिंक था। इसने क्या किया, ये जिंक इसके साथ जुड़ गया SO4 के साथ, जिंक SO4 प्लस कॉपर बन गया, ठीक है। तो आप लोग को इससे क्या पता चला कि जो आपका जिंक होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है किससे, मतलब ज़्यादा अभिक्रिया करता है, अभिक्रियाशील होता है कॉपर के कंपेरिजन बच्चों, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है। अब देखिए, ऐसे ही सेकेंड में आपका क्या था, सेकेंड में हमारा था ZnSO4 प्लस किसके साथ, कॉपर के साथ कराया। तो देखो, इसमें जो था आपका कॉपर जो है, अब इसमें जो कॉपर है वो किससे, जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, जिंक को साइड कर देगा, CuSO4 प्लस ZN आ जाएगा, तो जिंक को इनने साइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या था, जिंक था, तो इसका मतलब आपका सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है आपका जिंक, ठीक है, क्योंकि जिंक ने कॉपर इसको भी साइड कर दिया, ठीक है, कॉपर को भी, जिंक ने पहले कॉपर को साइड किया और कॉपर ने किसको कर दिया, जिंक को भी साइड कर दिया, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा हो गया, इसमें जिंक हो गया, ठीक है। अब देखिए, इसमें आपका सी डी और ई, इन तीनों ने रिएक्ट नहीं कराया, क्यों नहीं कराया, नीचे दिया गया है। देखिए, बीकर ए में जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को विस्थापित कर देता है, जिसकी वजह से कॉपर का रंग नीला अदृश्य हो जाता है, बीकर के पैदे पर कॉपर का भूरा पाउडर जमा हो जाता है। देखिए, बीकर ए कॉपर सल्फेट, ठीक है, बीकर ए में क्या हुआ, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक था, तो इसने क्या किया, जिंक यहाँ पे ऐड हो गया, कॉपर को हटा दिया, तो देखिए ZnSO4 CO कॉपर साइड हो गया। ऐसे इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, विस्थापन हो रहा है, एक तरीके से क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। तो आप लोग यहीं से सीखोगे कि विस्थापन क्या होता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए, इसमें फिर आपका दिया गया है कि सेकंड वाले में CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस लोहा जब कराया तो आपका क्या बन गया, ये इधर आ गया और इसने इसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो आपका क्या बना, ये FeSO4 और आपका कॉपर बन गया, ठीक है। हमने देखा कि बीकर सी डी में कोई अभिक्रिया नहीं हुई, जिसकी वजह से कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ नियम के केवल अभिक्रिया अधिक धातु
कम अधिक्रिया को उसके जलीय विस्थापन में विस्थापन कर देती है। मतलब कि जो अधिक अभिक्रियाशील अधिक अभिक्रिया वाले धातु होते हैं वो क्या करते हैं, कम अभिक्रिया वाले धातु को अलग कर देते हैं, लेकिन कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रिया धातु को विस्थापित नहीं कर सकती। जैसे आपका, अब देखो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन सा हो गया, जिंक हो गया, फिर आपका क्या हो गया, आयरन हो गया, फिर आपका कॉपर हो गया। ठीक है, जिंक हो गया, लोहा हो गया, कॉपर हो गया, ये आपके इनका ऑर्डर है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर एक में पूछा है कॉपर विलयन और कॉपर का रंग क्या क्या होता है। ठीक है, देखिए इसका मैं आपको आंसर लिखवाऊंगा। तो सभी बच्चे नोटबुक निकालेंगे, उत्तर नंबर एक लिखेंगे। पहले सभी बच्चे क्वेश्चन नोट डाउन करिए। ठीक है, सभी बच्चे क्वेश्चन लिखेंगे पहले। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको पूछा है कॉपर विलयन और कॉपर का रंग कैसा होता है। तो देखिए इसमें रंग लिखना है हमें, तो आप सबसे पहले किसका लिखोगे, कॉपर विलयन का। इसका क्या रंग था बच्चों, जो हमने देखा था नीला। अब इसमें कॉपर का आ जाएगा, खाली कॉपर का आ जाएगा भूरा। अब देखिए सेकंड में क्या पूछा है कि कॉपर जिंक के विलयन में से जिंक को विस्थापित क्यों नहीं कर पाता। नंबर दो में आएगा कॉपर धातु की अभिक्रिया की अभिक्रियाशील जिंक से कम होती है। इसलिए कॉपर जिंक को विस्थापित नहीं करता। अब इसमें पूछा गया है कि जिंक आयरन कॉपर को अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है बच्चों। देखो इसमें आप सबसे पहले लिखोगे आप जिंक, क्योंकि तो हमने क्या पढ़ा था, जिंक आपका सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, उत्तर नंबर तीन जिंक आ गया, फिर आपका क्या आ जाएगा इसमें, आयरन, फिर आपका आ जाएगा कॉपर। ठीक है, अब दिया है उत्तर नंबर चार। क्वेश्चन नंबर चार में पूछा है क्या होता है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखते हैं। देखिए आंसर नंबर फोर में आप लिखेंगे लोहा कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है। विस्थापित करके स्वयं आयरन सल्फेट बना देता है, वो खुद क्या ऐड हो जाता है उसमें, आयरन सल्फेट बना देता है, आयरन बना देता है। और विलयन का रंग हरा हो जाता है।
बच्चों, तो ये थी आपकी पूरी वर्कशीट जो कंप्लीट करा दी गई है। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आई होगी, मेरे कराने का तरीका आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोग गेम में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरे चैनल का लिंक दिया गया है जिसका नाम है सुजीत सिंह, आप उस पर जाकर वीडियो देख सकते हो। उस वीडियो के अंदर मैंने आपका एक गिफ्ट दिखाया लाइव, ठीक है, उनकी उसकी मैंने अनबॉक्सिंग करी है। उस वीडियो पर कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ कमेंट करना है, और देखो कमेंट में करने पर वही बच्चा सेलेक्ट होगा जो डेली मेरे चैनल से वर्कशीट करता होगा, 10 फ्रेंड के साथ शेयर करता होगा और वीडियो को पूरी देखता होगा, ठीक है। तो कमिंग संडे उसका रिजल्ट आ जाएगा, आपको लाइव वो गिफ्ट मिलेगा, ठीक है। और जो संडे को नई वीडियो आएगी उसके अंदर लाइव आपको दिखेगा कि वो बच्चा गिफ्ट जीता है और उसका नाम भी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे जिससे मैं आप लोगों से आपका एड्रेस ले सकूँ, ठीक है। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत।